हार नहीं मानेंगे ऑप्शन बचती है तो आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी होती है आपके ऊपर कर्जा होता है तो लोग आपके इज्जत नहीं कर रहे होते तो जिस शहर में आपको सलाम कर रहे उसी शहर से निकालने की बात करते हैं क्योंकि तो अगर हम उतरेंगे तो पुलिस हमें क्वेश्चन करेगी होता है ना किसी एक्सीडेंट में हेल्प करोगे तो वापस हॉस्पिटल जाओगे तुम्हारे ऊपर ही डाउट आ जाएगा तुम्हारी गाड़ी के साथ लगा ड्राइवर भी कह रहे पेश ओवरऑल कम हो रहा है इसी चीज का बेनिफिट ये कुछ कंपनीज लेती हैं जो समझती हैं जो बेहेवियर साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं यार अगर पेशेंस कम हो रहा है तो हम ये चीज बना दे बट टेक्निकली उससे और पेशेंस कम हो जाता है तो एक सर्कल चलता था अब और कोई चीज दोगे पेशेंस और कम होती जाए

इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं <laughs> कोई बाकी लोग नहीं।, नहीं दूसरे सुन लेते हैं शुक्र है <laughs> हाँ यार हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं कई बार ऐसा भी हुआ कि ये सोच के बैठे हैं कि चलो दादी बैठी हैं वो उनको उनकी मतलब की भी बात कर लेट राइट राइट, राइट। तो दो तीन मिनट हम इधर उधर के टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आज हमने कंटेंट नहीं डिस्कस करना आज इधर घर की बात करनी है फैमिली रिलेटिव डिस्कस करनी कर लेकिन दो ढाई मिनट के बाद वापिस हम की बात कर रहे होते हैं कॉन्टेंट वीडियोज ऑडियंस लोगों को क्या चाहिए वैल्यू यही सब डिस्कस हो रहा होता है। राइट राइट। कोई ऐसा फन इंसिडेंट जो आज तक हुआ हो हाँ मतलब वैसे तो मल्टीपल इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं बिकॉज बैठेंगे बात करेंगे उसके अराउंड कुछ ना कुछ लाफ्टर रहेगा ही रहेगा एज सच कोई फन uh, इंसिडेंट हाँ मतलब ये बहुत कॉमन होता है कि लोग uh, गलत फहमी होती है उनको फेसिस की राइट right, ये right, बहुत कॉमन right, right. है right. कि मुझे मिलेंगे अवल बोलेंगे अवल को मिलेंगे ही समझेंगे <laughs> और क्योंकि फादर का भी फेस है चैनल पे राइट right, तो right, कई बार right. वो ये भी कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ आती कभी आप लुक चेंज करके आते हो uh -huh. कभी आप ऐसे आते हो <laughs> तो उनको लगता है एक ही बंदा शायद लुक बदलता है राइट 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 आपके फैमिली में आपके फादर ने भी पहले YouTube वगैरह एक्सप्लोर किया एंड दे गॉट अ मैसिव सक्सेस ऑन YouTube। सो उनके साइड से आपको कुछ गाइडेंस वगैरह आज भी मिलती रहती है देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर में एक यूनिवर्सिटी है वो right. और जो

हम जो भी मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी में लाते हैं कहीं ना कहीं रूट्स तो उसके देखो तो वो ट्रेडिशनल ही होंगे ना करेक्ट अल्टीमेटली है तो ह्यूमंस अल्टीमेटली है तो इमोशंस अल्टीमेटली है तो कनेक्शन एक कन्वे तो, करने का मीडियम सिर्फ चेंज yes. हुआ है तो वो वो वाला पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग रहा है और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बीइंग नेक्स्ट जनरेशन हमारा स्ट्रांग रहा है तो वो दोनों चैनल्स जब एक साथ शुरू करें तो ये एक एडवांटेज रहा के हमारी डिस्कशंस में बहुत सारे थॉट्स एक्सचेंज होते थे

फैमिली uh, पे एक बहुत एक टाइम रहा था right. 99 के hmm. we so, like... uh, business, uh, के के आसपास वी वी लॉस्ट एंड इन एक एक बिजनेस बिजनेस फैमिली अंदर प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते right, हैं तो माइनस साइड हमारी बहुत ही माइनस थी थोड़ी okay. बहुत माइनस नहीं थी uh, उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस देखे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखे और मैं मानता हूँ कि वही टाइम था जिसने बहुत कुछ सिखाया Right, right. तो उस टाइम पे जो मैं कहता हूँ मैंने फादर को देखा mm -hmm. कैसे हमने इन हालातों से एज अ फैमिली उन्होंने साथ में खड़े किया कि हम हार नहीं मानेंगे ऑप्शन mm -hmm. बचती है सुसाइड जब आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी होती है आपके ऊपर कर्जा होता है right. लोग आपके इज्जत नहीं कर रहे होते तो जिस शहर में आपको सलाम कर रहे हैं उसी शहर से आपको निकालने की बात करते हैं mm -hmm. उस टाइम पे आप हार मान सकते हो बड़े आराम से आप कहते हो छोड़ो यार जी के क्या रखा राइट बाहर निकलना ही मुश्किल है तो क्यों जीना है राइट लेकिन उस सारी सिचुएशन को जो उन्होंने फेस किया वो बेस्ट लर्निंग थी तो वो जो सबसे मुश्किल टाइम था ना आज अगर पूरी फैमिली सबको इंस्पायर कर रही है आज अगर पूरी फैमिली एक कंप्लीट ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही है कोई फिटनेस से कर रहा है कोई लैंग्वेज से कर रहा है कोई पर्सनैलिटी कोई मोटिवेशन करेक्ट उसका रीजन ये है कि हमने देखा इन चीजों की वैल्यू क्या होती है hmm. हमने देखा है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपकी जुबान आपको हेल्प करती है कमाने में Correct. जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका थॉट आपको बिजनेस स्टार्ट करा के दे सकता है वो टफ टाइम ने बहुत कुछ सिखाया भाई और मुझे वो छोटे छोड़ छोटे इंसिडेंट्स ना कभी भूलेंगे नहीं वो ट्रिगर है ट्रेगर. वो ट्रिगर है जब स्कूल में मजाक उड़ा था वो ट्रिगर है जब मुझे एक अपनी सिस्टर का मेरी कजन सिस्टर का लेडी साइकिल चलाना पड़ा था क्योंकि साइकिल लेने के पैसे नहीं थे और स्कूल जाना था तो वो जो मजाक उड़ता था वो भी ट्रिगर है वो ट्रिगर्स ने बड़ा वो मोटिवेशन वही वो वो चीज मोटिवेट करती है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि तब से वो ना आग अंदर आ जाती है और बचपन ऐसा होता है कि थोड़े नादान होते हैं पूरी तरह समझ नहीं होती गलती उनकी भी नहीं है दूसरे बच्चों की वो भी तो नादान थे करेक्ट करें लेकिन वो हिट जो मार जाती है ना चीजें कि यार ही, कुछ ही, करना है तो आज वही सारा सर्कल वही सब लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जिन लोगों ने उस वक्त बहुत अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाए आज वो इज्जत करते हैं तो लगता है सर्कल कंप्लीट हो रहा है <laughs> <laughs> आप स्कूल कॉलेज में जब थे उस टाइम पे मतलब एकदम ऐसा स्टूडियस थे या फिर बैक बेंचर्स थे या आप, आप कैसे थे मैं बहुत स्टूडियस नहीं था पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था Okay. मुझे ये नजर आता था कि मेरी रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगी ना वो इन स्टेज मैं, हाँ, मैं, मैं कोशिश करता था ना तो गेम में उतना एक्सेल नहीं करता था तो मैं वो गया था कि गोलकीपर बन जाओ इस तरह का कुछ ना कुछ साइड वाला दे दिया मुझे लेकिन हर चीज में हाथ मारने की कोशिश करता था वाह वाह हिमेश भाई जैसे कि आपकी पूरी फैमिली यूट्यूब में है और आपने यूट्यूब को या फिर बोल सकते हैं कि क्रिएटर जर्नी को एकदम जीरो से देखा है एज पर माई नॉलेज आपने 2012 में अपना क्रिएटर जर्नी शुरू किया था और उसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बट वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को पता है जो लोग आपको फॉलो करते हैं तो uh, वो जर्नी पे हम लोग नहीं जाएंगे लेकिन आपने जो 2012 से क्रिएटर्स uh, का आपका खुद का जर्नी स्टार्ट किया

इतना महंगा डेटा है कि यूट्यूब चलाने से पहले भी बंदा सोच रहा था ना उस टाइम पे पर एक जीबी था दो हजार में तो बंदा कहता है यार यूट्यूब तो चलाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए नेट ऑन होता है यूट्यूब कहां से देखेंगे तो ऑफिस के वाई फाई पे देखा जाता है correct. तो ऑफिस में ही होता था इंटरनेट सिर्फ तो हर तरफ से ना डिस्करेजिंग माहौल था इस करियर को लेके करियर वर्ड लोगों को नहीं समझ आता था यही लगता था शौक पूरा कर रहा है कोई और जब जॉब छोड़ के यूट्यूब पकड़ा तो ये एक शॉकर था

तो ये वाली चीजें उस टाइम पे बड़ी अननोन टेरिटरी थी बट एक ही चीज लगी थी मंगेश भाई उस टाइम पे कि दो ही ऑप्शंस होती हैं बंदे के पास कि या तो कर लो या रिग्रेट होगा तो जो रिग्रेट है ना उसके साथ नहीं जीना था करेक्ट करेक्ट करेक, काश करेक। किया होता उससे अच्छा है कि जिंदगी का एक साल वेस्ट हो गया कुछ सेविंग जो बनाई थी वेस्ट हो गई जमीन से उठे गिर के बहुत बार देखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं थी फिर से गिर जाएंगे तो इससे नीचे क्या ही होगा क्या ही होगा लेकिन वो अफसोस नहीं लेना जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट राइट 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 तो अभी वहाँ से लेके अब तक आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की है क्रिएटर uh, वर्ल्ड कैसे चेंज होता हो रहा है यार कंप्लीट कंप्लीट uh, 360 डिग्री चेंज आ गया उस टाइम पे uh, ऐसी कोई इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस क्रिएटर्स को लोग इतना जाने क्रिएटर्स आर द न्यू इन्फ्लुएंसर्स ये वाला थाट नहीं था आज की डेट में क्रिएटर्स थाट लीडर्स हैं वो एक थाट को लीड करते हैं राइट वो कंट्री को पॉजिटिव नेगेटिव शेप देने की कैपेसिटी रखते हैं करेक्ट करेक्ट क्योंकि आज वो अपना जो थॉट है ऐसा नहीं है ना देखो पहले होता था मान लो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम थी हुँ. आज मैंने कुछ सोचा लिखा तीस दिन तक लिखा फिर पब्लिशर के पास गया फिर पब्लिशर का अप्रूवल फिर डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी फिर रिटेल में वो आगे लगाए फिर किसी के हाथ में आए वो मेरा थॉट कब तक पहुंच रहा है लोगों के पास आज की डेट में मेरा अभी थॉट आया नेक्स्ट थर्टी सेकेंड में वो थॉट चला जाएगा अभी हम रही एक, रही। एक कैमरा ऑन करें स्टोरी बनाएं जो थॉट है लोगों तक चला जाएगा सो वो रही रही। पावर जो ये है इसको अगर पॉजिटिवली यूज करा जाए तो एक अलग लेवल पे थॉट लीडरशिप चल रही है और ये चीजें तब नहीं थी तब यूट्यूब मतलब तुम शायद गाने गाते हो या तुम यूट्यूब बेसिकली एंटरटेनमेंट से शुरू हुआ था ज्यादा हु. तो मूवीज़ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज हो रहा था Correct. बट आज की डेट में देखो ना हर चीज़ हम वहां से सीख रहे हैं hmm. वहीं से हम नॉलेज ले रहे हैं वहीं से हम स्पिरिचुअलिटी ले रहे हैं वहीं से एंटरटेनमेंट ले मतलब यूट्यूब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे डे टू डे लाइफ में हर एक चीज हम लोग वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई चीज आपको सीखनी है तो वो भी सीख रहे हैं और बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं बहुत से ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जिनसे मैं मिला हूं उनका भी कहना था कि उनके लाइफ में जो सबसे बड़े गुरु जी है वो यूट्यूब है बिल्कुल, तो वो एक हो रहा है हिमेश भाई आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब में आना चाहते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर और उसके पीछे मुझे बेसिकली लगता है कि ये दो रीजंस है फर्स्ट वन इज लोग फेम देखते हैं कि यार इस बंदे को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो फेम के पीछे वो लोग पागल है सेकंड एक तो पैसा देखते हैं ऑब्वियसली पे उतना पैसा भी है बट लोग सिर्फ इन दो चीजों को देख के यूट्यूब के को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे अपना खुद का करियर बनाना चाहते हैं ये कितने हद तक सही है और ऐसे लोगों के लिए आपका कोई सजेशन रहेगा देखो ये ना जो भी फील्ड सिर्फ यूट्यूब नहीं यूट्यूब आजकल एक हॉट करियर की तरह या हॉट फील्ड की तरह माना जा रहा है बट कोई भी फील्ड जिसके साथ थोड़ा ग्लैमर जुड़ता है ना मनी एंड फेम उसको लेके जनरली ये होता है अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओ तो बॉलीवुड में ये चीज़ बहुत कॉमन थी Correct. आज भी है कि बॉलीवुड में क्यों जाना है मूवीज में क्यों जाना है क्योंकि फेम चाहिए या पैसा चाहिए Correct. दो ही कारण होते थे बट अगर कोई एक्टर उस एक्टिंग को एंजॉय करता है hmm. उस जर्नी को एंजॉय करता है कि आज मैं थिएटर कर रहा हूं मैं खुश हूं मुझे रात को नींद अच्छी आ रही है hmm. कोशिश कर रहा हूं मुझे टीवी मिल जाए लेकिन मुझे नींद अच्छी आ रही है टीवी मिल गया कोशिश करूंगा मूवी आ जाए लेकिन मुझे नींद अच्छी आ रही है मैं मैं खुश हूं अपने काम से उस जर्नी से तो वो एक्टर सक्सेसफुल होता है हर सक्सेसफुल एक्टर के पीछे उसकी जर्नी है प्रोसेस है यही चीज यहाँ पे है अगर सिर्फ मनी और फेम होगा तो बहुत चांसेस आप भटकते रहोगे क्यों क्योंकि आपको रोज कंफ्यूजन होगी आज लगेगा पैसा तो गेमिंग में। गेमिंग गेमिंग में शुरू करते हैं ट्राई करी क्योंकि रीजन पैसा था गेम का तो हम उतना एंजॉय नहीं कर रहे हमारा फोकस पैसा है फेम है मोटिवेशन चल रही है मोटिवेशन बना देते हैं अब मोटिवेशन भी हमारी डीप थॉट नहीं है एक किताब पकड़ी एक कोट पकड़ा मोटिवेशन बना दी लोग भी समझ जाएंगे यार ये तो बनी बनाई चीज है कुछ अलग correct, नहीं कर रहा करेक्ट। ट्रेवल करते हैं मुझे जर्नी क्या लोगों को कुछ दे सकता हूँ गाने से एंजॉय करा सकता हूँ डांस से एंजॉय करा सकता हूँ mm -hmm. वैल्यू दे सकता हूँ ट्रेनिंग दे सकता हूँ एंड वो जो जर्नी जीता है ना वो सूनर और लेटर उसकी लॉन्ग रन में सक्सेस ज्यादा रहेगा हमेशा

हाँ, बिल्कुल देखो मतलब सीधी सी चीज है जुड़े रहेंगे अगर जमीन के साथ तो बढ़ते रहेंगे सिंपल सा फैक्ट है जो मैं मैं आपको हमेशा हमेशा अभी कह भी रहा था और मैं कहता हूं कि अच्छा इंसान बन गए हम अ गुड ह्यूमन विल बी गुड इन एवरी एरिया करेक्ट राइट तो अगर कोई भी चीज हमारे सर पे चढ़ रही है अगर सर पे चढ़ गई तो थिंकिंग नहीं, नहीं रहेगी ना सर पे कुछ और है करेक्ट दिमाग को हमने अगर ईगो से भर दिया नखरों से भर दिया इन चीजों से भर दिया तो फिर वो दिमाग प्रोडक्टिव कहाँ से होगा कंस्ट्रक्टिव कहाँ से होगा करेक्ट करेक्ट uh, अभी अभी जो क्रिएटर वर्ल्ड चल रहा है तो जितना मैंने क्रिएटर्स को देखा है जितना आपने देखा है आप भी इसको अग्री करोगे कि आजकल क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर क्रिएटिव चीज़ें करने या फिर यूट्यूब पे वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बनाने तक लिमिट नहीं रख रहे हैं वो खुद को एज एन आंट्रप्रिनर भी एक्सप्लोर uh, कर रहे हैं नई नई चीज़ें कर रहे हैं इवन क्रिएटर्स इकोनॉमी के आसपास ही वो चीज uh, अपने खुद के स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं जैसे कि आपने आ, अभी बताया कि आपके एक दोस्त से आप कल मिले थे अनंत भाई से तो उन्होंने भी एक आ, अपना पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके आसपास ही उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी बनाया एंड दैट इज गोइंग गुड सो ऐसे मल्टीपल क्रिएटर्स आजकल एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होने वाला है आपके एक पर्स्पेक्टिव से क्या लगता है आपको कि वॉट विल बी द फ्यूचर एंड हाउ इट विल गो देखो इसको अगर हम क्रिएटर को दो मिनट के लिए बाहर भी निकाल दें mm -hmm. तो बेसिकली सिर्फ दुनिया इवॉल्व हुई है हम वर्ड बोलते हैं क्रिएटर इको सिस्टम इन्फ्लुएंसर वीडियो इन्फ्लुएंसर पहले भी यही दुनिया थी mm -hmm. लोग मिलते थे ह्यूमंस mm -hmm. आपस में जानते थे बिजनेस एक्सचेंज होता था Correct. लोग मिलते थे बात करते थे बिजनेस एक्सचेंज होता था mm -hmm. राइट आपको अगर 10 लोग जानते हैं आपको प्रोडक्ट आपके पास अच्छा है आप लोगों को बताते हो रिटेलर थे होलसेलर थे ये सारा कुछ ट्रेडिशनल ही चल रहा था डिजिटल ने ये पावर दे दिए वीडियो ने ये पावर दे दिए आप उसको घर बैठे स्केल कर सकते हो राइट तो तब भी यही था आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बढ़ता था राइट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ आपके रिलेशन ज्यादा है तो आप बिजनेस अच्छा करते हो अगर आपका बिजनेस अच्छा है आप रिलेशन बढ़ा लो तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा अब आ जाते हैं इस सिस्टम पे किसी का बिजनेस अच्छा है वो कहता है चलो मैं क्रिएशन शुरू कर देता हूँ किसी के पास पीछे मान लो कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है वो यूट्यूब लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है उसकी इंश्योरेंस ज्यादा बिकेगी करेक्ट तो correct. वो मीडियम बदल गया है पेड़ के नीचे पांच लोग मिल रहे हैं जगह यूट्यूब से मिल रहा है ah. और पांच की जगह पांच का स्केल आगे डिजिटल की पावर है राइट right, तो right. हम इसको ये ना सोचे एक डिफरेंट वर्ल्ड है इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल वर्ल्ड पहले क्लब के अंदर जाते थे लोग रिलेशन बनाते थे भाई आप कैसे हो मैं ठीक हूँ अच्छा मेरा ये विजिटिंग कार्ड है मेरे बिजनेस है आपका क्या है अब मैं कैमरा पकड़ूंगा और कैमरा से रिलेशन बनाऊंगा राइट राइट तो दिस इज पहले कोई इन्फ्लुएंसर था वो पॉलिटिक्स में चले जाता था इन्फ्लुएंसर <laughs> तो होता <laughs> था, था ना अब वो वीडियो में इन्फ्लुएंसर है वो बिजनेस में जा रहे हैं या पॉलिटिक्स में जा रहे हैं कोई और फील्ड चूज कर रहे हैं हमेश भाई आपने बहुत सारे क्रिएटर्स भी बिल्ड किए हैं मतलब इवन आई एम योर स्टूडेंट सो मैंने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है

लोगों को लगता है वीडियो बनाई बस अब चल जानी चाहिए ये एक मेजर फ्लॉ मुझे नजर आता है जर्नी कवर नहीं करनी लर्निंग की कंसिस्टेंसी की वो मुझे मेजर फ्लॉ नजर आता है एंड क्लैरिटी कि आप क्यों आए हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वाई क्लियर नहीं होता वाई क्लियर होना चाहिए क्योंकि मंगेश भाई जरूरी नहीं है हर किसी को वन लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए हर किसी को वन मिलियन चाहिए अगर मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है मेरा पर्पस यूट्यूब पे आने का कि मेरा मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ज्यादा लोगों को रियल एस्टेट की वैल्यू देनी है राइट राइट तो मेरे को वहां पे एक मिलियन नहीं चाहिए मेरे को एक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दस हजार सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स का बेस भी काफी है शुरुआत करने के लिए राइट राइट वंस माय बिजनेस ग्रोज आई कैन यूज दैट मनी टू क्रिएट अ टीम अपग्रेड माई क्वालिटी सोशल मीडिया टीम सब कुछ कर सकता हूं लेकिन पहला गोल वन लैख सब्सक्राइबर चाहिए ही नहीं वहां पर लेकिन वो क्लैरिटी नहीं होगी तो कैसे होगा आजकल ऐसे बहुत सारे जॉनर्स आ गए जैसे अभी आपने रियल एस्टेट का बताया तो बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि जितना बाकी जॉनर के लोग नहीं आ... मतलब अर्न करते हैं उससे कई ज्यादा रियल इस्टेट के जो चैनल से वो लोग करते हैं तो ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है मल्टीपल जॉनर्स है यूट्यूब के मार्केट में तो वॉट इज अकॉर्डिंग टू यू आर द लाइक फ्यूचरिस्टिक थिंग या फिर फ्यूचरिस्टिक जॉनर फ्यूचरिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं देखो ब्लॉक चेन एक मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन है राइट वो आएगा ही आएगा

Absolutely. और ये भी फ्यूचरिस्टिक है तो जाएगा ही जाएगा आगे डिजिटल में बहुत सारी इवॉल्वमेंट्स होंगी एआई के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं लोग इसको जानना चाहेंगे सीखना चाहेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के कई मीडियम्स आएंगे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड है करेक्ट अगर right. उसको आप स्पेसिफिक्स में पकड़ो तो ये अपने आप में बहुत हॉट नीच है अगर कोई एड एक्सपर्ट ही बन जाता है कोई स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट बन जाता है कैंपेन एक्सपर्ट बन जाता है राइट विजुअल स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक नीच है तो आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें फॉर श्योर डिमांड में रहेंगे बिकॉज वी आर वेरी ग्रोइंग हॉट सेक्टर है हम हॉट मार्केट हैं। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें का साइज ना छोटा नहीं होता राइट करें, अपने करें, आप में वो यूनिवर्स है छोटे छोटे आजकल जैसे मतलब अभी फिलहाल तो हम लोग जैसे कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं बट uh, अभी कुछ मेटावर्स uh, में भी कुछ क्रिएटर्स आ चुके हैं जो वर्चुअल क्रिएटर्स हम लोग जिनको बोलते हैं तो ऐसे क्रिएटर्स का भी एक इकोनॉमी डेवलप हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या थॉट्स था uh, मेरा ना एक थॉट है मैंने मैं फील करता हूँ हम ना एज वाइज इवॉल्व होते हैं पहले स्टोन एज थी हुँ, हुँ, फिर आई इंडस्ट्रियल एज आई फिर आई टेक्नोलॉजी एज जो कह सकते हैं कि चल रही है मुझे लगता है इसके बाद ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक है ह्यूमन एज ह्यूमन hmm. एज मतलब अब अब ज्यादा वैल्यू होगी ह्यूमन टच की ह्यूमन कनेक्शन की अब लोग सीखेंगे वर्चुअली लेकिन वो एक फिजिकल इवेंट जहां पे हम सब मिलेंगे उसकी इंपॉर्टेंस अलग होगी वन टू वन का टाइम जो है किसी कोच का किसी ट्रेनर का वो ज्यादा महंगा होगा क्योंकि वर्चुअल दुनिया में कंजप्शन होगी वर्चुअल दुनिया में लोग ज्यादा रहेंगे hmm. लेकिन ह्यूमन फेस ह्यूमन एक्सप्रेशन ह्यूमन टच ये चीजें और प्रेशियस हो जाएंगी घर के अंदर रहकर अगर मैं काम करता जा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है मेरी मेंटल हेल्थ के लिए कि मैं रियल लोग देखू ना कि एवेटर्स देखू ना कि करेक्टर्स मुझे सिखाए ना कि ए आई मुझे सिखाए तो ये सब चलेगा ब्रॉड लेवल पे और ह्यूमन टच हो जाएगा प्रीमियम लेवल पे वो एक प्रीमियम कॉमोडिटी हो जाएगी मतलब एक कस्टमाइज वे में yes. इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे आप मान लो कि कोचिंग कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है लेकिन अगर आपको टूल्स बताऊंगा पैटर्न बताऊंगा आपके माइंड को समझूंगा तो आपके साथ एक घंटा सात दिन बैठूंगा तो मैं डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला पाऊंगा हंड्रेड तो वही चीज है कि वहां पे कहीं ना कहीं वो ह्यूमन वाली चीज की रोल कभी खत्म नहीं हो सकता राइट right, राइट right. और गाइज अभी हम लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ मेटावर्स में कुछ ऐसे क्रिएटर्स आ गए जिनको वर्चुअल क्रिएटर्स बोलते हैं कि Uh, वो आपको अलग अलग चीजों के बारे में सिखाएंगे अलग अलग नीश के बारे में वो बात करेंगे और उनके कॉन्टेंट्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर दे, देखने को मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो अभी इवॉल्व हो रहा है और लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद से ऐसे भी लोग इन फ्यूचर में आए ऐसे भी अवतार इन फ्यूचर में आए और वो आपको सिखाए बट जैसे कि हिमेश भाई ने कहा आई कंप्लीटली अग्री विद दिस पॉइंट कि जो ह्यूमन टच है वो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा हिमेश भाई यूट्यूब को भी आजकल लोग एक लर्निंग का मीडियम

that is quite appropriate correct क्योंकि जब whatsapp आया था ना uh -huh. तब भी यही थॉट था कि कौन uh -huh. यार मैसेजिंग ऐप ये यू ऑलवेज एक्सेप्टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम था इंटरनेट आया था जब whatsapp पे छोड़ो इंटरनेट आया था तो सारी दुनिया शुरू में गेन्स थी इंटरनेट uh -huh -huh. की राइट right? क्या करवाना है घर में पेरेंट्स कहते थे क्यों लगवाना है इंटरनेट इंटरनेट correct. की क्या जरूरत है आज कोई बंदा बच्चा बड़ा बूढ़ा इंटरनेट के बिना

इसके प्लस पॉइंट्स भी होंगे प्लस पॉइंट्स ये होंगे कि आप बैठ के यू, आप यहां बैठे हॉवर्ड वाला एक्सपीरियंस ले सकते हो स्टैनफोर्ड वाला एक्सपीरियंस ले सकते हो Correct. आप यहां बैठे दूसरे के साथ वीडियो कॉल तो कर ही रहे हो जूम mm -hmm, पे तो हो ही mm -hmm. उस एक्सपीरियंस को और अच्छा बना रहे हो right, आप अपने right. आपका एक भाई है फॉरिन चला गया है दूर रहता है आप उसके साथ रोज गेम खेल सकते हो राइट आप शाम को बैडमिंटन खेलते थे आप उसको मिस नहीं करोगे आप फिर बैडमिंटन खेलोगे थोड़ा वर्चुअल हो जाएगा तो प्लस एंड माइनस हर चीज के जैसे इंटरनेट था ओनली थिंग विल बी रिक्वायर्ड इन चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करें चैनलाइज कैसे करें आज इंटरनेट रीजन है कुछ लोगों की सक्सेस का पढ़ाई का ग्रोथ का का करे, करेक्ट अमीर होने फैमिली के सपने पूरे करने का प्राइड का सेल्फ रिस्पेक्ट का और इंटरनेट ही रीजन है बहुत सारे लोगों की डिस्ट्रक्शन का छह घंटे कौन सी रील्स देखने में निकल के पता ही नहीं चला अगले दिन एग्जाम था राइट 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 तो टेक्नोलॉजी के प्लस माइनस रहेंगे बट एक्चुअली एक् होगी कृष्ण भगवान की जो एक लाइन थी कि वसुधैव कुटुंबकम वो कहीं ना कहीं मेटावर्स और ज्यादा सच कर रहा है बिल्कुल ओके ऑलराइट जैसे अभी आपने एक बात की कि रील्स वगैरह की शॉर्ट कंटेंट की तो शॉर्ट कंटेंट का फ्यूचर क्या है और आप इसको कितना सपोर्ट करते हो तो मेरे सपोर्ट करने या ना करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन uh, फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का आ, लोगों को जल्दी चीजें चाहिए हम इंस्टेंट जनरेशन आ गई है ना गरे, हमें गरे, इंस्टेंट कॉमर्स है मतलब आज के डेट में घर में क्या होता है कि दूध चाहिए पत्ती रख दी पानी रख दिया इतने में दूध आ जाता है बाहर से कुछ तो सात मिनट में डिलीवरी हो जाती है राइट राइट तो अब वो ग्रोसरी की भी जो हैबिट है ना वो भी खत्म हो गई है तो वो इंस्टेंट जनरेशन है तीस मिनट में पिज्जा नहीं आया तो टेंशन हो गई है मैगी दो मिनट में बननी चाहिए तो यहाँ पे क्विक कंजप्शन क्विक फॉर्मेट चलेगा लेकिन अगर कोई सीरियस कंज्यूमर है, है, किसी को किसी को को ट्रेनिंग चाहिए, सीखना है, तो वो 30 और एक स्टैंड की जगह आपने तीस तरीके से स्टैंड देख लिया राइट बट वेन इट कम्स टू ट्रेनिंग डीपर कॉन्सेप्ट को रिकंडीशन करना है बिजनेस सीखना है, आपने करना है आपको समझना है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करी जाती है ये 30 या मिनट में नहीं होगा ये कभी भी नहीं होगा right, right. तो शौ, mm -hmm. जो जो जोन है बैठे हैं खाली चलो वीडियोस देख लें लॉन्ग इज इंटेंट बेस्ड मुझे बैठ के सीखना है mm -hmm. मुझे यूट्यूब खोलना है मुझे फेसबुक वॉच खोलना है पहले दोनों चीजें ऐसी चल रही थी अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऑडियंस राइट बट यहाँ पे एक थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है क्या मतलब शॉर्ट्स की वजह से कि वहां पे कंटेंट बहुत जल्दी आपको एक मिनट के अंदर मतलब आपको सब चीजें मिल जाती है आपको पूरा जो मोटो है आपका वो सेटिस्फाई हो जाता है जो बड़े कंटेंट के ऊपर जब लोग आते हैं तो उस टाइम पे उनका उनके अंदर जो पेशेंस है वो उतने रहते नहीं है तो वो एक साइकोलॉजिस्ट हायर हाँ, mm -hmm. करती है right, कि यार right. अगर पेशेंस कम हो रहा है तो हम ये चीज बना दें mm -hmm. बट टेक्निकली उससे और पेशेंस कम हो जाता है तो एक सर्कल mm -hmm. चलता जाता है आप और कोई चीज दोगे पेशेंस और कम होती जाए right, right, तो ये सर्कल right. चलता रहेगा सिंपल है कि ऑडियंस पहले व्यूज hmm. क्यों कम होते हैं लॉन्ग फॉर्मेट क्योंकि ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है hmm. जो खाली बैठा है कि चलो बैठे हैं कुछ hmm. करते हैं hmm. ये, ये है। है, साथ डिस्ट्रीब्यूशन hmm. तो हो गया लॉन्ग फॉर्मेट तो आपका इंटेंट बेस्ड ही है कि आप hey. जाते हो कि चलो मुझे कुछ लंबा कंज्यूम करना hmm. है बट इज इट अफेक्टिंग ऑन दाइंड सेट ऑफ यस इट विल इट विल बिकॉज इससे हम हर चीज को इंस्टेंटली चाहते हैं हमारा ब्रेन की कंडीशनिंग करता है ब्रेन को वायर ऐसे करता है कि आपको अगर कोई क्विक कंटेंट मिल रहा है तो आपको लाइफ में सक्सेस भी क्विक क्विक चाहिए आपको पैसा भी फिर क्विक क्विक चाहिए फिर आपके रिश्ते में आपकी शादी हुई है अब शादी में एक साल तो एक दूसरे को समझने में लग जाता है लेकिन अब डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हमें खुशी क्विक क्विक चाहिए कल क्यों नहीं हमारी बनी है ना परसों ने मुझे क्यों नहीं समझा ब्रेकअप भी क्विक होता है तो ये ये सारा उसी का इम्पैक्ट है कि वी वॉन्ट थिंग्स

हमारे पेशेंस लेवल को लो कर रहे हैं क्योंकि उससे उनकी दुकान चलती है बट हमें अपनी लाइफ अपने माइंड का ध्यान रखना है तो वी नीड टू एंश्योर कि हम उनको इफेक्ट ना होने दें अपने माइंड को राइट 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 देने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जरूरत है लोगों को ये सब एक्चुअली जैसे कि हिमेश भाई हमने डिस्कस किया कि बहुत सारा यूथ इस क्रिएटर इकोनॉमी में आना चाहता है इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है तो आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को बनाया है आपको देख के बहुत सारे क्रिएटर्स बने हैं सो so, आपका उनको क्या गाइडेंस रहेगा क्या सजेशन रहेंगे आपके और क्या रोड मैप होना चाहिए एक बंदे को एज अ क्रिएटर जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए रोड मैप की बात करूं तो दो तीन स्टेप्स इम्पोर्टेंट है पहला कि मुझे करना क्यों है जो हमने why, पहले भी डिस्कस किया था क्लियर होना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद किसके लिए करना है अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है यहाँ पे आपको रीजनल ऑडियंस भी है यहाँ पे हर एज ग्रुप है आपके पास हर टर में है हर तरह का इनकम अर्निंग ऑडियंस है आप किससे कनेक्ट करना चाहते हो राइट right? क्योंकि उसी हिसाब से आप स्टडी करोगे उसी उसी की लैंग्वेज को समझोगे उसकी एग्जांपल्स को समझोगे उसके प्लस माइनस को समझोगे बहुत बार ऑडियंस मिसमैच होता है कि मैं बना किसी और के ले रहा हूँ और एग्जांपल किसी और की दे रहा हूँ इट्स लाइक मैं कॉलेज में गया हूँ और बोर्ड रूम की एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ <laughs> या सीईओ सामने बैठे मेरी ट्रेनिंग में

पहली वीडियो उठा लो और लेटेस्ट वीडियो देख लो फर्क देख लो Correct. उसने वेट करी होती है, तो ये लेटेस्ट वीडियो भी बनती ना hmm. उसने पहली वीडियो पे वेट नहीं करी जो है इस वक्त बेस्ट कर सकता हूं क्योंकि बिगेस्ट टीचर एक्शन है एक्शन से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है Correct. कितने कोर्स ले लो कितनी ट्रेनिंग ले लो कितनी थीरी देख लो कितने टॉक शो देख लो वो सब डाइजेस्ट तब होगा जब आप एक्शन लोगे अब एक्शन लेते जाओगे ना वो सारी नॉलेज आपको सेंस बनानी शुरू हो जाएगी हाँ उस पॉडकास्ट में ही सुना था अब अप्लाई करता हूं कर दिया

बिकॉज uh, उस टाइम पे बहुत नई थी ये सब चीज़ें uh, मेरे लिए और uh, कोई गाइड करने वाला ऑब्वियसली नहीं था तो मैंने uh, क्या किया था जो अपना uh, हेडफोन होता है ना

कंपटीशन में ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता बिकॉज आप मेरे से ऑलरेडी छः सात साल आगे हो ठीक है तो मैं किसी और से कंपटीशन नहीं कर सकता तो मैं उनसे सिर्फ सीख सकता हूँ इसको मैं मेरे कंटेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ तो yes, yes. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अभी जो चीज कर रहे हो या फिर आप जो करने का प्लान कर रहे हो अगर आप किसी और के हंड्रेड वीडियो के साथ या फिर टू हंड्रेड वीडियो के साथ कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको डिमोटिवेट करेगी सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स आप आज जो आपके पास रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करो बिकॉज स्टार्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर ही आप पचास टका जीत चुके हो उस वॉर को और उसके बाद फिर आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते जा रहे हो जो भी चीज़ बनाते जा रहे हो उसको बेटर कैसे कैसे आप कर सकते हो कि आज से बेटर कल कल से बेटर परसों एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक लेवल पे आओगे और उस आ, आपके जो आइडल्स है जैसे कि हिमेश भाई मेरे लिए भी एक आइडल है उनके आसपास यहाँ पे बैठा हूँ यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद ही वो सारी चीजें होती है सो हिमेश भाई अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हम लोग क्रिएटर्स जर्नी के बारे में और भी बात कर रहे थे तो वहां पे एक सेकेंड एस्पेक्ट है कि मनी ऑब्वियसली पैशन ये सब चीजें तो है ही इंपॉर्टेंट बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे एक टाइम के बाद आपका जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और आप क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाओगे मोस्टली ठीक है तो वो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए डे टू डे लाइफ जीने के लिए आपको पैसा इंपॉर्टेंट है ही हाँ। तो इस क्रिएटर्स मतलब जो इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब है इंस्टाग्राम है, है यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि यहाँ से आप कैसे अर्न कर सकते हो बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स जैसे कि लोगों को सिर्फ पता है आप गूगल एडसेंस से पैसे बना सकते हो या फिर ब्रांड प्रमोशन से पैसे बना सकते हो या फिर कोई चीज अफिलियट करके आप पैसे बना सकते हो बट आई एम श्योर कि आपने बताया आपने आपसे ही ये चीज पता चली है मुझे कि देर आर ट्वेल्व टू थर्टीन मेथड्स जिससे आप पैसे बना सकते right. हो इन द क्रिएटर वर्ल्ड सो व्हाट आर दैट मेथड्स राइट देखो पैसा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है मैं एक चीज बहुत कॉमन कहता हूं कि मनी इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि मनी आपकी पहली सीट पे ना हो मनी hmm. दूसरी सीट पे होना चाहिए hmm. पहली सीट पे आ जाएगा तो आप कोई विजन लेके नहीं चलोगे आपका थॉट प्रोसेस नहीं होगा कुछ क्योंकि रीजन एक ही होगा पैसा बट दूसरी सीट पे क्यों जरूरी है क्योंकि उस विजन को किक वही देगा, पुश वही देगा देगा पुश आज अगर मैं सौ लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ पैसा होगा तो मैं हजार को कर पाऊंगा पैसा होगा तो मैं शुरुआत में मैं वीडियो शूट करता था कैमरा संभालता था एडिट करता था कई सारे फोन कॉल्स लेता था ई रिप्लाई करता था हर प्रोसेस करता था उस प्रोसेस में मेरी वीडियोस भी तो लिमिटेड बनेंगी ना करेक्ट लेकिन जब पैसा सोचना शुरू किया तो hmm. टीम हायर हुई टीम हायर हुई तो मैंने फोकस किया वैल्यू के ऊपर कंटेंट के ऊपर hmm. बाकी हर चीज डेलीगेट कर पाया उससे मैं अपनी विजन बड़ा कर पाया hmm. तो इसलिए पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट ये ये मेरा है मैं नहीं, नहीं करूंगा किसी पे कि पहली सीट पे 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 कि पहली मत रखो रखो रखो। दूसरी दूसरी इसको। पर जरूर के बहुत सारे होते हैं डिपेंड करता है आप किस तरह के जॉनर किस तरह की नीच में हो एडसेंस तो एक फॉर्मेट है ही है कि आप मेहनत कर रहे हो लोग आपको देख रहे हैं आपको उसके बदले में एक रिवॉर्ड मिल रहा है okay. आपको जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई मेरी वीडियो के ऊपर लोगो लगाए गूगल आपके लिए एक एड लगा रहे शुरू में समझती नहीं थी हो रहे, रहे पांच सात साल पहले रात मेहनत करते हैं कॉन्टेंट बनाना आसान नहीं है पीछे पूरी जर्नी होती है अगर ये राइट प्रोडक्ट की ब्रांड डील कर रहे और हमें एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डील्स एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है एक चीज मैं मानता हूं वो बहुत बड़ी सेवा है वो है मार्केटिंग मैं उसको सेवा इसलिए मानता हूं कि एक अच्छे प्रोडक्ट को अच्छी ऑडियंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया और उसके बीच में आपको एक कमीशन मिल बट पे क्रिएटर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट राइट राइट, राइट।, राइट।, राइट। क्योंकि अगर आप किसी तरीके कमीशन के चक्कर में पैसे के चक्कर में कोई नेगेटिव प्रोडक्ट दे गए एक बार दे दोगे दो बार दे दोगे उसके बाद ऑडियंस ट्रस्ट नहीं करेगी सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं आप पे नहीं करेगी आपके कॉन्टेंट पे भी नहीं करेगी राइट तो यहां बहुत जरूरी है कि कनेक्ट ऑडियंस विद राइट प्रोडक्ट्स एंड सेवा में आपकी मेवा मिल जाती जाता है nice. फिर अगर आपके फील्ड में एक्सपर्टीज है राइट फॉर एग्जाम्पल आप कोच हो आप डॉक्टर हो आप न्यूट्रिशनिस्ट हो आप ट्रेनर हो फिटनेस के अंदर हो तो आप अपनी एक्सपर्टीज को भी सेल कर सकते हो mm -hmm. कि वीडियोस में मेरा वर्चुअल टाइम अवेलेबल है आप मेरा आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं अगर मेरा वन टू वन टाइम चाहिए तो वो लिमिटेड है उसके लिए आई कैन चार्ज एंड पीपल आर रेडी टू पे बिकॉज आप इतना दे रहे हो लोग देख रहे हैं आप इतना दोगे तो लोग उसके लिए पे करना शुरू कर रहे हैं आप उनको वैल्यू बहुत ज्यादा दो वो आपको दस रुपए दे रहे हैं आप उनको सौ रुपए की वैल्यू दो राइट अगर आप एक्सपर्ट फील्ड में आप बुक्स लॉन्च कर सकते हो अपनी राइट राइट बहुत लोगों को बुक्स पढ़ के ही मजा आता है तो आप उनके लिए बुक्स लॉन्च करो Uh, इसके अलावा की नोट स्पीचिज हैं आप एज अ गेस्ट अपनी एक्सपर्टीज अलग अलग कॉन्फ्रेंसिस में जाके दे सकते हो hmm. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है सो so, इस तरह के कई हैं आप ई e कॉमर्स में जा सकते हो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस uh, इन्फ्लुंसर हो right. तो कोई ऐसे टूल्स हैं डिजिटल टूल्स जो आप बना सकते हो कोई ऐप बना सकते हो कोई सैंस बेस्ड प्रोडक्ट बना सकते हो आप लाइफ कोच हो hmm. तो कोई लाइफ के प्रोडक्ट्स आप हेल्थ कोच हो समथिंग फॉर योर ब्रेन समथिंग फॉर योर माइंड समथिंग फॉर योर बॉडी फैशन इन्फ्लुंसर हो मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो तो कई सारे फॉर्मेट्स हैं ये वही बात से कनेक्ट हो जाता है मंगेश भाई के ट्रेडिशनल है <laughs> इसको डिजिटल के नजरिए से बस देखना right, है right, right, right. ये कोई नई दुनिया नहीं है पहले भी तो ये ही ये है। पहले भी भी तो तो सेम ही यस समझदार बिजनेस मैन जानता था कि बिजनेस बढ़ाना है तो लोग जोड़ने हैं तो वही फॉर्मेट है मतलब यहाँ पे आप सिर्फ विद द हेल्प ऑफ टेक आप मल्टीपल लोगों तक पहुंच पा रहे हो एक hmm. एडवांटेज yes, बोल सकते हैं आप स्केल कर सकते हो पहले hmm. आप सौ लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे हॉल बुक करना पड़ता था एक एक बंदे की लंच दो हजार right, 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 right. right. आना जाना ऑर्गेनाइज करना फिर जाके सौ लोग आपको सुनने आएंगे hmm. और उनको एक साथ एक टाइम पे इकट्ठा करना है करेक्ट आज correct. की डेट में वो आपको लाखों लोगों को आप रीच कर सकते हो बट ये सारे चैलेंजेस के बेटा और उनके टाइम के हिसाब से हिसाब से उनकी कम्फर्ट उनका घर उनका टाइम उनकी स्पेस उनका लंच उनके किचन से आ रहा है <laughs> <laughs> और ये चीज और बेटर होती जाएगी जैसे ही टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होती रहेगी हिमेश भाई जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्रिएटर्स गाइडलाइन भी आ रही है गवर्नमेंट के साइड से जहाँ आज तक कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था इन सब चीजों में तो वहां पे गवर्नमेंट भी आज आ रही है तो वो अभी तक तो फिक्स नहीं है लेकिन इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है देखो इसको हम नेगेटिव देखने की जगह पॉजिटिव लाइट से देख सकते हैं काफी क्रिएटर्स का जिनसे भी डिस्कस हुआ उनको लग रहा था कि कंसर्न लग रहा था कि क्या होगा बट पॉजिटिव लाइट ये है कि इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइज होना कई बार जरूरी होता है करेक्ट सही एलिमेंट सही क्रिएटर सही इन्फ्लुएंसर को कभी भी गाइडलाइन से प्रॉब्लम नहीं होगी mm -hmm. क्योंकि वो गाइडलाइंस इसीलिए बनी जाती हैं कि थोड़ी सफाई करी जाए करेट कुछ नेगेटिविटी निकाली जाए फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी mm -hmm. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोगों ने स्कैम्स करने शुरू कर दिए थे दिया आईआरडी आया इंश्योरेंस रेगुलेशन आई तो क्लीन हुई इंडस्ट्री रियल एस्टेट में बिल्डर ने पैसे लिए लोगों को लूट लिया छोड़ दिया बनाया नहीं बनाया बोला दो की दी दो में तो ये नॉर्मल है करेक्ट राइट बट फिर आ गया रेरा तो बिल्डर्स अब एक्टिवेट हो गए थोड़े रेगुलेट हो गए चीजें तो नहीं थी ना ah. जिसने टाइम पे डिलीवरी करनी है तो प्रॉब्लम ही नहीं आगे बात है <laughs> इंश्योरेंस okay. एडवाइजर को प्रॉब्लम नहीं थी <laughs> तो इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी में भी सॉरी फील्ड में भी अगर गाइडलाइंस आ रही हैं तो ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है स्ट्रक्चर हो रही है गवर्नमेंट इसको एक इंडस्ट्री की तरह रेगुलेट कर रही, है, कर रही है मान रही है कि एक चीज होती है इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है क्योंकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं अचानक आदतें बदलेंगी कंफर्ट जोन टूटेगी बट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट है सही क्रिएटर सस्टेन करेगा सही इन्फ्लुएंसर सस्टेन करेगा ऑडियंस right. के साथ कोई धोखा कर जाए hmm. तो पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है उससे अच्छा गवर्नमेंट hmm. hmm. वो धोखा प्रिवेंट कर दे देख एक बंदा ऑडियंस को झूठ बोल के लूट ले हर किसी पे डाउट होना शुरू हो जाता है उससे पहले रेगुलेशन आ जाए ज्यादा अच्छा आई I मीन mean, जो लोग जेन्युनली कॉन्टेंट क्रिएट करते थे जेन्युनली कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो अच्छी ही साबित होगी ऑब्वियसली तो या विल वेट फॉर इट अभी तक तो गाइडलाइंस आई नहीं है लेकिन जब आएगी तब ऑब्वियसली हम लोग इसके ऊपर भी कोई ना कोई कंटेंट जरूर लेके आएंगे, आएंगे आपके लिए आ, हमीश भाई थोड़ा हम लोग अभी पर्सनल लाइफ में आते हैं क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएटर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बात कर लिया आप इन्होंने बहुत बहुत सारी चीजें सीख भी ली आपसे अपार्ट फ्रॉम दैट आप that, आप बहुत सारे लोगों के लिए आप खुद एक आइडल हो लोग आपको इंस्पिरेशन समझते हैं आपके लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन है आपके लिए आइडल्स है तो सबसे पहली और बिगेस्ट सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन इज माई फादर राइट right. जिन्होंने बोल के नहीं सिखाया करके सिखाया छोटे छोटे इंसिडेंट्स जिंदगी के और स्पेशली जो डाउनफॉल था जो नेगेटिव टाइम था ना उस टाइम के हर दिन कोई एक चैप्टर था मेरी जिंदगी का कि ऐसे डील करना है ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना है ऐसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है ऐसे चैनलाइज़ करना है और बहुत सारी चीज़ें होती है छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि एक बार अमृतसर से चंडीगढ़ से हम अमृतसर आ रहे थे किसी शादी को अटेंड करके तो काफ़ी रिलेटिव साथ में थे और रास्ते में जो गाड़ी है हमारी जब निकल रही थी तो जस्ट हमारे सामने गाड़ी पलटी थी एक्सीडेंट okay. हुआ था रात के दो तीन बजे होंगे शादी okay. से वापस आ रहे थे तो जितने रिलेटिव था उतरेंगे तो, तो फंसोगे हॉस्पिटल जाओगे तुम्हारे ऊपर ही डाउट आ जाएगा तुम्हारी गाड़ी के साथ लगा ड्राइवर भी कह रहे नहीं मेरे फादर ने कहा ब्रेक लगाओ राइट पूरी फैमिली एक तरफ आराम से बंदा इन्फ्लुएंस हो सकता सारी फैमिली कह रही है नहीं रुकना फादर ने कहा ब्रेक लगाओ राइट right, ब्रेक लगाई उतरे उतर के अकेले चले गए हेल्प करने गाड़ी को सीधा करते हैं लोग अंदर हैं और उनको देख के बाकी फैमिली भी आई और गाड़ियाँ भी रुकी सबने गाड़ी सीधी करी अब जो अंदर फंसा था कितनी देर फंसा रहता राइट right, वो लाइफ सेव हुई और बाद में जब डिस्कस हुआ कि आपने इतनी हिम्मत पापा ने एक ही चीज़ कही थी कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को दूसरों के काम आओ आज मौका था और मैं उनके सामने कहता कि नहीं आना

कुछ ह्यूमंस है जिनकी लाइफ जिनकी कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत डीप है मैंने उनको बहुत स्टडी भी किया है जैसे शहीद भगत सिंह जी right. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका कमिटमेंट की वजह से उस जनून की वजह से उस पागलपन की वजह से कि बाईस तेईस साल की उम्र है hmm. और इतनी क्लैरिटी hmm. है अपना गोल इतना क्लियर है और उस गोल के लिए ऐसी कमिटमेंट है कि कई दिन भूखे रहना पड़ेगा भूखे रहेंगे उस गोल के लिए रीडिंग करनी है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा वहाँ बैठ के नेल्सन मंडेला को भी पढ़ा वहाँ बैठ के जेल के अंदर हर तरह की किताब पकड़ी वो गोल की तरफ कमिटमेंट है दुनिया जो मर्जी बोले बोले इमोशन जो मर्जी बोले वो अपना पूरा चैनलाइज है hmm. मैं कहता हूं कि उनका 20 परसेंट hmm. हम अपने गोल की तरफ लगा दें 20 परसेंट उन्होंने तो जान दे दी थी right, right. हम 20 परसेंट लगा दें और उनका जो गोल था वो तो कंट्री के, के, के लिए था दुनिया के लिए था हमारे लिए था और हमारा गोल तो एक एक लिमिटेड से इको में होता है हम उसके लिए नहीं बीस परसेंट लगाते कलाम साहब मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी राइट right. कोई कोई पोलराइजेशन नहीं है कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सीज uh, नहीं है क्लीन लिविंग बाय एग्जांपल पर्सन बाबा साहेब अंबेडकर अम्द, उनकी लाइफ स्टडी करो क्या स्ट्रगल्स उन्होंने देखी है कहां से निकल के कहां पहुंचे hmm. हैं और उस टाइम पे राइट राइट आज भी अनफॉर्चूनेटली आज भी गांव-गांव में हम कास्ट को लेके इन चीजों को लेके आज भी लोग क्लियर नहीं हुए hmm. आज भी दिक्कत है आज भी स्ट्रगल है लेकिन उन्होंने उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं 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 होता था नहीं। इंटरनेट होती नहीं होती थी right, right, नहीं right, होती। right, right. तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं सब अपने आप में आई मीन कलाम सर तो मेरे भी बहुत फेवरेट है मतलब uh, उनके बारे में जहाँ भी कहीं कुछ मिले तो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ उनके एग्जांपल्स भी मैं अपने वीडियोस uh, में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो यान अमेजिंग पर्सन अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और पर्सनल लाइफ में आते हैं इंडिया में ऐसे बहुत से कम क्रिएटर्स काम कर रहे हैं तो आप और गुंजन मैम दोनों भी मिलकर काम करते हो तो आई एम श्योर इट इज एन अमेजिंग जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू बट ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी क्रिएशन की सो बेसिकली जानते हम थे एक दूसरे को टू थाउजेंड टेन से ट्रेनिंग okay. के मीडियम से ही हमारी इंटरक्शन हुई थी okay. uh, एक इवेंट में एक वर्कशॉप में ही और लेकिन एक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ नजर आया उससे पहले मैं बताता हूँ 2012 10 में हमने जाना पहचाना एक दूसरे को 12 13 तक हमारी दोस्ती रही और उसके बाद आ, वी सो मच कि कि हमें लगा यू नो एवरीथिंग इज सो मैचिंग बट उस फीलिंग के आने से पहले तक मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी थी जो मैंने पेरेंट्स को दी हुई थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा मेरा प्लान शादी करने का नहीं था वाह कैन रिलेट तो पेरेंट्स कभी भी पूछते थे मैं कहता था मुझे शादी नहीं करनी और मैं ऐसे नहीं कहता था, था कि शादी नहीं करनी मैं पूरा केस स्टडी देता था उनको मुझे क्यों नहीं करनी कि मेरी लाइफ की एक विजन है मेरा एक गोल है मैं दुनिया का हूँ मैंने दुनिया के काम आना है मुझे मेरा जीना उठना यही है कि मैं हर रोज लोगों को एम्पावर करूँ तो मैं शादी और घर गृहस्थी में नहीं आ सकता जैसे वो कन्विंस करने की कोशिश करते थे ज्यादा फोर्स नहीं था बट जैसे ही कन्विंस करते थे तो मैं सारे नाम रट के बोलता था मैं कहता था रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी अटल तो बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं करी जितने ए पी जे कलाम साहब ने शादी नहीं करी मोदी जी ने शादी नहीं करी जितने नाम थे ना मैं सारे जितने सक्सेसफुल ऑफ इंडिया मैंने सारी लिस्ट निकाली हुई थी रट के निकालता था और वो इतने कन्विंस हो गए कि बंदा तो, तो मिशन है एंड सपोर्टिव थे तो ऐसा कोई इशू नहीं, नहीं, नहीं था एंड देन आई मेट गुंजन गुंजन को मिलकर लगा कि यार मिलकर हम और अच्छे से अपने विजन को पूरा कर सकते हैं ये वो पार्टनर है जो डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो चैनलाइज कराएगी जो मुझे गाइड करेगी हम दोनों पैशनेट हैं हम ज्यादा बड़ी हेल्प कर सकते हैं दुनिया की तो वो फील आई और मैंने रियलाइज किया बहुत बड़ा लेसन था कि लाइफ में ओपन रहना चाहिए मैंने सोच ली एक चीज बट ये नहीं सोचा कि पार्टनर कैन बी सच अ बिग स्ट्रेंथ रेट, रेट, और रेट, रेट। उसके बाद मेरे को एक इतना अच्छा अपने आप में घर में एक मिनटोर एक दूसरे को हमें मिन्टोर मिल गया कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और हम दोनों का उठना काम की बातों से शुरू होता है हम उठते हैं हमारी डिस्कशन यही होती हैं हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हमारी डिस्कशन ये हम रात को वॉक करने जाते हैं तो हर वक्त हम यही डिस्कस करें क्या कर सकते हैं कैसे हेल्प कर सकते हैं क्या बना सकते हैं लोगों को क्या चाहिए हमारे पास क्या है देने को एंड इट हैज़ बिकम मोर ब्यूटिफुल तो आई एम लविंग दिस जर्नी कि वो सच आ स्ट्रेंथ शी इज़ अब जो भी रिजल्ट हैं लाइफ में आई वुड से कि शायद ये इतने अचीव नहीं होते अगर एक राइट पार्टनर ना होता तो राइट 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 वॉट एनी एनी इंसिडेंट आपको uh, याद है आपके इस जर्नी में जो आप कभी नहीं भूल सकते आप दोनों के जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं फॉर uh, एग्जाम्पल uh, जब हमारी शादी की बात स्टार्ट हुई थी पहले फनी वाला एक इंसिडेंट बताता हूँ तो अब हमारे घर में तो यूट्यूब की अवेयरनेस है सब क्रिएट कर रहे थे नहीं। नहीं। तो गुंजन को अपने घर में बताना था कि क्या करते हैं अब मैं ट्रेनर स्पीकर हैं अब 2014 में ये करियर कैसे समझ आ कि अपनी बेटी हम किसी को दे दीडियो तो बनाते हैं आज, है। आज मुश्किल है कि भाई यूट्यूबर है तो शादी करनी है चार लोगों से डिस्कस करना होगा फिर भी यूट्यूब सुना हुआ है सुना ही नहीं होता था तो फाइनली गुंजन ने अपनी नानी को कैसे नानी पूछ रही है लड़का क्या करता है क्या hmm. बताए तो फाइनली उसने बताया कि इंटरनेट पे प्रोफेसर लगे हुए हैं hmm. <laughs> तो वहां से उनको कुछ क्लैरिटी कुछ हुई पढ़ाता होगा इंटरनेट पे यूज करता होगा यूट्यूब तो पता ही नहीं <laughs> सो वो वो वाले बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए थे मैं उसको आज भी कहता हूँ कि वो पैनल डिस्कशन होती है ना सारे रिलेटिव बैठे और तुम सामने बैठ के समझा रहे हो तुम करते क्या हो <laughs> <laughs> तो वो एक काफी फनी इंसिडेंट था मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर इंटरनेट पे प्रोफेसर है वो आपका एक क्या बोलते हैं पोजीशनिंग कर दी आपकी तब जाके हुआ कि

एक एक इंसिडेंट और है कि एक चीज मेरी बड़ी क्लियर थी क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियली आई वाज नॉट गुड जब हमारी शादी हो रही थी तो मैंने गुंजन को यही कहा था कि गुंजन हो सकता है हमें एक गांव में रहना पड़े हो सकता है हमें एक वन बी में रहना पड़े हो सकता है क्योंकि नोएडा में हमें जाना था नोएडा में गुंजन की जॉब थी तो वहां साथ, -साथ गाँव होते हैं जहाँ रूम सस्ते मिल जाते हैं तो मैंने कहा हो सकता है मैं वहां रहना पड़े लेकिन मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा नहीं। मेरी जिंदगी का मिशन पर्पस यही रहेगा लोगों को इंस्पायर करना है वो आज यूट्यूब से हो रहा है कल को हो सकता है मुझे फिजिकली करना पड़े अगर डिजिटल ना रहे तो लेकिन दिस वाज वेरी क्लियर एंड शी सपोर्टेड दिस और शुरू में हमारी जर्नी में कु... वेन वी गेट गॉट मैरिड तो बहुत टाइम हमारे पास बेड भी नहीं था जमीन पर ही हम गद्दा लगाते थे और इस तरह की टीवी नहीं था शुरू में कार नहीं थी शुरू में तो मतलब किसी रिलेटिव ने अपनी एक पुरानी कार हमें दी थी इन लॉज़ की तरफ से कि जितने दिन आप कार नहीं ले रहे हो इतने दिन यूज़ कर लो तो इस तरह से शुरुआत कर रही थी बट शी स्टूड बाय दिस कि उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी कि बिकॉज uh, उस वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी और मेरे पास इतना इनकम नहीं था बट दिस दिस वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी कि शी स्टूड बाई इट एवरी डे शी स्टूड बाई इट के पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा पर्पस इंपॉर्टेंट है पैसा सेकंड सीट पे रहेगा अमेजिंग अमेजिंग इमेज भाई थोड़ा हम लोग अभी पेरेंटिंग के ऊपर आते हैं आपने आ, अभी जस्ट आपके डैड के बारे में बताया उनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी है आ, आपके फैमिली में पहले से ही YouTube वगैरह था तो एटलीस्ट फैमिली से एक सपोर्ट रहेगा बट इंडिया में ऐसे मल्टीपल आ, लोग हैं मल्टीपल ऐसा स्टूडेंट्स है जिनको यूट्यूब में करियर बनाना है जिनको यूट्यूब एक्सप्लोर करना है या फिर सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना है और उनमें उतने पोटेंशियल भी है वो पैशन भी है उनको चीजें तो करनी है बट घर वाले उस चीज को समझ नहीं पाते बिकॉज ऑब्वियसली आज भी मेरे घर वाले समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनको ये बिलीव नहीं होता कि यूट्यूब से यू कैन अर्न मनी तो

तो मैं सिर्फ okay. बोलूंगा खरीद लो आप नहीं खरीदोगे आई नीड टू पिच इट टू यू मुझे बताना right. पड़ेगा कि परफ्यूम आपने सुने हैं मैं खुखरीखोर को भी तो बेचूंगा ना आपको hmm. कि खुखरीखोर एक कैटेगरी होती है जो भी उसको बोलूंगा इसकी परफ्यूम क्यों डिफरेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों आप ये वाला लोग hmm. इसकी पैकेजिंग में क्या अलग है मैं आपको तभी कोई चीज बेच पाऊंगा अगर उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ उसका केस आपके आगे प्रेजेंट करता हूँ उसकी डायमेंशन आपको बताता हूं फ्यूचर में ये तो अच्छा तो 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 जवाब परफ्यूम है हम खरीदने से पहले सवाल करते हैं हम खुद करते हैं, कन्विंस होते हैं तो पैसा जेब से निकलता है और हम अपने माँ बाप को अपना करियर बेचते हैं सिर्फ एक लाइन कि मुझे यूट्यूबर बनना है मुझे क्रिएटर बनना है मुझे गेमर बनना है वो अलग दुनिया से है उनको नहीं पता उनके लिए में गेमर क्या पता पता खोर हो hmm. राइट? उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या नीश होती है क्या 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 होती है क्या होते है, क्या सोर्स होते हैं 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 क्योंकि वो किस में पले बड़े हैं कि इंजीनियर बनता है कोई डॉक्टर बनता है कोई मैक्सिमम लॉयर समझ आना शुरू हो गया सी ए समझ आना शुरू हो गया अब ये यूट्यूब तो वी हैव टू रीच देयर लेवल उनको क्या चाहिए उनको चाहिए आपका कॉन्फिडेंस उनको चाहिए फ्यूचर की सिक्योरिटी जो उनको नजर आ रहा है क्योंकि उनके सर्कल में यही बात हो रही है करेक्ट उनको चाहिए कि हमारा बच्चा कभी कभी तंग ना हो हमारी परेशान ना हो <laughs> वो उनकी मेंटल हेल्थ ना खराब हो जाए लोग अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाए तो ज्यादा फेम मिल गया तो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए लाइफ के गोल correct, से correct. उनको इन चीजों को संभालना है वो देखते हैं कुछ रॉक ऐसे हैं जो ड्रग्स में चले गए फेम <laughs> की वजह <वज़े> से <laughs> अब यहाँ पे हमें उनके आगे केस प्रेजेंट करना होगा YouTube कितनी बड़ी दुनिया है। दुनिया का second largest search engine है, अगर YouTuber बनना है, का अगर वर्जिश में चार साल यहाँ लगाऊ लगा तो मैं कहा पहुंच सकता हूँ hmm. शायद चार साल की जर्निया एक साल में कर सकता हूं लेकिन एक साल अगर आपकी सपोर्ट मिल जाए आप वहां बीस लाख की फीस दोगे जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर नहीं right. अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्लीटली रिस्पेक्टेड अगर कोई करना नहीं चाह रहा तो वहां बीस पच्चीस लाख घर वालों के लगाने की जगह यहां शायद इन्वेस्टमेंट के बिना ही आप चार साल में कहीं पहुंच जाओगे राइट hmm. right? तो उल्टा भी हो सकता है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें कि चलो अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है या हमारी तरफ से कोई टाइम रिक्वायर्ड है एफर्ट रिक्वायर्ड है बट उनका कॉन्फिडेंस लेने के लिए केस प्रेजेंट करना होगा समझना hmm. होगा दिखाना होगा फ्यूचर लेकिन प्रॉब्लम पता क्या खुद को ही नहीं पता होता खुद इतनी रिसर्च नहीं करी होती उनको क्या बताएंगे right, right, खुद right, तो यह right. सोचा है कि भाई वो कर रहा है वो कर रहा है उसको फेम मिला कॉलेज की चार लड़कियां उसको पसंद करती हैं मैं भी कर लेता कॉलेज की दो लड़कियां मुझे भी पसंद hmm. करेंगी मैं भी बोलूंगा सी क्रिएटर मेरे कुछ इन्फ्लुसर होंगे मेरी एक शान अगर गोल ही है तो पेरेंट्स को क्या समझाओगे राइट 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 कि मेरे को वाई भी उतना इम्पेक्टफुल होना चाहिए मतलब एक जनरेशन को कन्विंस करना है आप भी अपने बच्चों की बात नहीं समझोगे हमें भी हम भी चाहेंगे हमें कन्विक्शन दो हम भी कंसर्न होंगे हम भी अलग होंगे हमारे लिए जो नॉर्मल है उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है Correct, हमारे हमारा दाद, पेरेंट्स के साथ है ये भी याद रखें पेरेंट्स का दादा दादी से मिसमैच था दादा दादी का पड़दादा पड़ा तो ये रहेगा इसको लेके कंप्लेन करना बंद करना होगा समझना होगा गैप कैसे कवर करना है हम अपने बच्चों से डिस्कनेक्टेड होंगे अगर हम गैप कवर नहीं करेंगे सेम होगा ई गेस द अमेजिंग आंसर आई एवर गॉट ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोग हैं आपको भी पूछते होंगे कि यार मुझे ये करना है मुझे वो करना है लेकिन घर वाले नहीं मानते बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बट आई गेस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का आंसर आई मीन क्वेश्चन बेस्ट नहीं क्वेश्चन तो बेस्ट था ही बट अपार्ट फ्रॉम दैट आंसर उससे भी बेस्ट था तो अगर आपके भी लाइफ में ये इशू है ना तो आई गेस इसको आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए आपके लाइफ में पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई यू आर डूइंग दिस अगर आप उनको प्रूव करके दिखाओगे चीज़ें तो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे मैं मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं क्रिएटर्स जर्नी एक्सप्लोर कर रहा था मतलब जब मैं यूट्यूब वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि यूट्यूब क्या होता इवन मुझे भी नहीं पता था मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें तो ऑब्वियसली घर वालों को अगर वो चीज़ें दिखता था कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ के ये सब चीजें कर रहा हूँ तो वो डांटते थे तो मैं जब जब घर वाले घर पे नहीं होते थे तो किसी कोने में बैठ के रिकॉर्ड करता था कोई चीजें ऐसी ऐसी होती थी तो ऐसे वो स्टार्ट हुआ था बट जब मैं उन लोग को बोलता था कि दिखा के कि यार ये देखो मैं ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा हूँ तो उन वो बोलते थे ये सब मत कर ये फालतूपना मत कर सीधा तू जा और पढ़ाई कर वहाँ पे करियर बनेगा इसमें करियर नहीं बनेगा बट जब अभी उनको रिजल्ट दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्विंस हो जाते हैं तो यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको थोड़े बहुत भी रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाता है या फिर जब उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बच्चा जो कर रहा है उसमें वो अपना हंड्रेड परसेंट yeah. दे रहा है तो ऑटोमेटिकली उनका भी वहां पे इन्वॉल्वमेंट yeah. आना स्टार्ट हो जाता है yeah. उनका भी सपोर्ट आना स्टार्ट yeah. हो जाता है सो गाइज दैट वॉज द थिंग एंड हिमेश भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग बिकॉज आज Uh, जितना ऑडियंस ने सीखा है उससे ज्यादा शायद से मैंने सीखा है बिकॉज हम लोग बैक द कैमरा भी बहुत uh, कुछ बातें की है बहुत सारी चीजें आपसे सीखा हूं मैं एंड थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत अच्छा लगा मंगेश भाई एक चीज होती है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो किसी किसी में होती है और आपका आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बहुत अच्छा है आपको पता है कि किससे कैसा सवाल से मैक्सिमम डिस्कशन हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू आप ऑडियंस को दे सकते हो सो वो स्किल बहुत अच्छी है वेरी गुड लिसनर एंड uh, आपकी क्वेश्चनिंग की स्किल बहुत अच्छी है थैंक थैंक यू थेंक यू एंड थैंक यू सो मच बहुत My अच्छा friend. लगा हम लोग को आपसे मिलके एंड गाइस uh, मैंने एक चीज मैं इस पॉडकास्ट में भी बताना चाहूंगा कि मैं जितने भी क्रिएटर्स से मिला हूँ तो एक चीज मैंने नोटिस की है ये चीज मैंने अभी हिमेश भाई से भी डिस्कस की कि जो बड़े क्रिएटर्स है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनमें मैंने देखा है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है जैसे कि हमारे हिमेश भाई है बड़ा और हूं। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स से भी मैं मिला हूं कि जो बहुत अर्ली स्टेज पे है बट थोड़ा बहुत उन्होंने सक्सेस देखा और वहां पे उनका वो सक्सेस उनके बिहेवियर में दिखता है तो ये डिफरेंस मैंने देखा है कि जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं वो हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं और जो लोग थोड़ा अर्ली स्टेज में उनका सक्सेस दिमाग में जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेस उनके चेहरे पे दिखता है उनके एटीट्यूड में दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉन्ग रन में आप चीजें देख रहे हो लॉन्ग रन में आपको जाना है तो आपको हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए एंड दैट इज द अल्टीमेट थिंग जो आपको और ऊपर लेके जाएगी सो थैंक यू सो मच हिमेश भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड द सेम सेम ईयर ईयर एंजॉयड इट मजा आया तो बहुत ही मजा आया बहुत एनर्जी एक्सचेंज हुई मंगेश भाई के साथ और इस चैनल पे बहुत सारी वैल्यू आपको मिलती रहेगी क्योंकि इनकी यही कोशिश है कि दूसरों के साथ बैठ के डिस्कशन में से मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए निकालने की तो ये वैल्यू आपको मिलती रहे इसलिए आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो सो so दैट हर अपडेट आपको मिलता रहे और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके लाइक्स के थ्रू पता चलेगा और कैसी वीडियोस आपको चाहिए आपका कोई सवाल हो जिसका जवाब रह गया हो ताकि अगली बार हम फिर से मिले और जवाब दें तो वो कमेंट्स में जरूर बताना खुश रहिए खुशियां बांटते रहिए और गाइज हिमेश भाई ने कहा है तो सब्सक्राइब करना बनता है सो डू इट